ये भाई अब नए से कहानी सुनाएंगे, एंजॉय कीजिए। हम हॉस्पिटल गए। हाँ जी, तो बंदे का पता कर रहे थे तो वापस आ रहे थे तो सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, साइड पे कुछ बंदे बैठे थे, कुछ छापे ले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काजी उमर। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो आपने टाइटल अभी देख ही लिया होगा, तोते की कहानी, तो तोते को ज़रूर मेंशन करें आप नीचे और ज़रूर ये कहानी पूरी सुने। और ट्विस्ट पूरा है और इसी कहानी के लिए भी कॉमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये भाई अब नए से कहानी सुनाएंगे, एंजॉय कीजिए। हम हॉस्पिटल गए। हाँ जी, तो बंदे का पता कर रहे थे तो वापस आ रहे थे तो सीढ़ी से नीचे उतरते थे, साइड पे कुछ बंदे बैठे थे, कुछ छापे बेच रहे थे, अलग अलग अपना बिजनेस कर रहे थे। एक तोते वाला था, वो बड़ा रानी था, वो बैठा हुआ अपना बिजनेस कर रहे थे। और जैसे तो इकबाल था हमारे साथ, तो इकबाल ने उसको पूछा ये तोता क्या करता है। ये भविष्य बताता था, हमें पता क्या आपका बताता और अंदर पर्चियाँ पड़ी हुई पिंजरे के अंदर, ये वो तो ऐसे कितने का देता है। हाँ जी, वो है 100 रुपये की एक पर्ची उठाएगी। नहीं यार, शाम का टाइम है, 50 रुपये लो तो पर्ची उठ जाएगी। ठीक है भाई, 50 रुपये की मांग गया तो हमने मेरा मैं तोते को वो उठा पाया। तोते ने पर्ची तो उठाई। अब फिर थोड़ा नीचे जाके पर्ची उठाई तो वो इकबाल को बोलने का, अगर तेरी शादी हुई तो तेरी तेरे बच्चे नहीं होंगे, अगर तेरे बच्चे होंगे तेरी बीवी से नहीं बने। अब इकबाल को गुस्सा आ गया इस बात पर, वो कोई को थोड़ी गालियाँ देके वो दोनों भाग गए। साथ में उमर भी था। अच्छा, अब हमारा अच्छा उमर। अपना उमर घर से उठाया है। अच्छा, मैं नहीं मानता। फिर तो दोनों आ गए नीचे। अब मेरे बच्चे को कोई मेरी बाजू पकड़ लिए कि पैसे दे, ये दोनों भाग गए गुस्से। मेरे पास था 500, तो अब मैं उसको पकड़ाया तो वो बोल रहा है मेरे पास चेन नहीं है, मैं चेन लेके आता हूँ, तो आप तोते और पिंजरे का ध्यान रखना। हाँ जी, फिर ये बात ना भाई, तो ठीक भी हो सकता है। हाँ, रुकना। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये तो पैसे दिए भैया, सब कुछ शराबी, पैसे लेके चला गया ठेके पे। ठेके पे गया तो 2 घंटे हो गया वेट करते रहे, वापस नहीं आया। तो उधर पिंजरा है आगे गुजर नगर पुल, यहाँ पर वो दूध बेचने वाले नहीं होते वो थे बंदे दो, तो वहाँ भी इकबाल ने जल्दी कर दी। वो पूछना था तोता और पिंजरा कितने का दोगे, मैं 3,000। ये बात भी तो इकबाल ने वो पूछना था, तोता बोलता भी होता है। हाँ बोलता है, लेकिन अभी बीमार है, चेक कराने के लिए फिर उसने जल्दी कर दी। वो ये पूछे पूछे करने लगे वो आपस में कि ये कल मर जाएगा ये वो, नहीं कुछ वहाँ बात नहीं मिली। बोल रहे तोता छोड़ो, पिंजरा कितने का दोगे। पिंजरा कितने का दोगे? मैं पिंजरा 1,000 रुपये का भैया। उसने कहा क्या लूँ इस पिंजरे को, 1,000 रुपये का है क्या इसमें बार दुआरी है ये वो, कुछ बात नहीं बन सकती। गौर से सुना का नहीं है। फिर ये हुआ कि वो बोलने लगा कि पैसे कितने लूँ। हाँ, वो उसने जेब में जैसे याद मारा, इधर सुनना यार, इधर मेरी तरफ कर रहा, कहानी सुना रहा हूँ। हाँ सर, आप बोलिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप कहानी बोलिए। उसके बाद से 350 मेरे पास आई, 350 मैं वही दूंगा। अब हमने सोचा पहले तो शाम के टाइम में रूम में जा रहे हैं, वेट फॉर ट्विस्ट। हाँ, कंटिन्यू ट्विस्ट आगे डालना। ट्विस्ट हुआ वापसी पे क्या हुआ कि नहीं जी, ना 1,000 ना 500 ना 350, ये माने नहीं किसी बात को। चलो ना 1,000 ना 350, 500 ही वापस, 500 दे दो, पिंजरा ले जाओ। अच्छा, ये बात भी तो कोई मतलब नहीं कुछ कर रहा, कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी। वो अंदर भी थोड़ा घबरा रहा ना, चलो हम तो 350 दो तो पिंजरा ले जाओ। पिंजरा तो वो ले गया। तेरे से बड़ा कोई तोता नहीं, तोते तेरे से बड़ा कोई तोता नहीं, तेरे से बड़ा कोई तोता। आप सबने ये इतनी गंदी 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 कहानी सुन के आपको कैसा लगा? और ये हमारे बुर्ज खलीफा कैमरे में नहीं आ पा रहे, और हमारे सामने आज जूनियर आए। जूनियर 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 इधर दे, ओ जूनियर। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समझ के बहुत बड़े यूट्यूबर को दिखाना चाहूंगा। अब चेक करें भाई को, हाँ तो डाल दो। आप देख सकते हैं भाई को यहाँ पे खड़े खड़े चैनल समीर नाम से, आप देख सकते हैं पूंछ के बहुत बड़े यूट्यूबर, बहुत ज्यादा नाम कमाए। देखिए सेल्फी उठवा रहे हैं। हेलो गाइस, पीछे भी बैकग्राउंड पे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।